हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा वीडियो लेके आई हूँ। ये हैंडमेड सिल्क थ्रेड बैंगल्स है और ईयरिंग्स का कलेक्शन है मेरे पास, जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये मैं घर से बिजनेस करती हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। मैंने जब से ये काम घर से ऑनलाइन शुरू किया है, मैंने काफ़ी बड़े बड़े शॉप से कनेक्ट किया है, तो वहाँ से मुझे रेगुलर बेस पे भी अच्छा खासा ऑर्डर मिल जाता है। अगर आप भी चाहे तो ये बिज़नेस घर से शुरू कर सकते हैं, अपना कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, व्हाट्सअप के ज़रिए भी आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपके पास GST नंबर है तो अमेज़ोन वगैरह से इसका अच्छा खासा ऑर्डर मिल जाता है, क्योंकि आजकल ये हैंडमेड का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो आप भी चाहे तो इसे ईज़ली सीख कर घर पे छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको खुद धीरे धीरे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो देखते जाइए मेरा आज का कलेक्शन, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मेरे चैनल को, तब तक आपको मेरे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड कलर का बटन दबाइए और एक बेल की घंटी आएगी उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको जितने भी मेरे नए लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड। तो मेरे पास एक लाइट पिंक शेड है और एक पिंक और पर्पल का कलेक्शन है, और ब्राइडियल का ऑरेंज और रेड का कलेक्शन है मेरे पास। ये आप देख सकते हो, ये पर्ल के अंदर बना है। और एक ये पर्पल का सेट है जो कि बिल्कुल सिंपल है, 4 करोड़ का सेट है, बीच में प्लेन चूड़ियां हैं। और एक ये पैरेट ग्रीन और पर्पल का सेट है, और एक ये पिंक सेट है, और अगेन एक पिंक सेट है, 4 कड़े हैं। और ब्लैक एंड ब्राउन और एंड रेड का कलेक्शन है। ये येलो हल्दी की रस्म के लिए है, और ये ब्राउन और एंड रेड का है, और ये डार्क पिंक कलर और ग्रीन का कलेक्शन है, और ये ब्राइडियल का कलेक्शन है, येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन फिर भी कितना प्रिटी लग रहा है। तो आप भी कॉन्टेक्ट करें, अगर चाहे तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे कुछ ईयरिंग्स के कलेक्शन हैं, और ये भी सारे क्रिस्टल से बने हुए हैं, धागे एंड क्रिस्टल ही यूज़ होते हैं इन सब में। अगर आप इन चीज़ों को परचेज करते हो ऑनलाइन, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। अगर आप चाहो तो आप घर से भी इसे खुद के लिए भी बना के यूज़ कर सकते हो। तो इजी है, इसका रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल है, ऑनलाइन अमेज़ोन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी आप रॉ मटेरियल मंगा सकते हैं। आप मेरा कलेक्शन देखिए, और हल्दी की रस्म के लिए पीले कलर की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, और गोटा पट्टी की बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस समय, तो वो भी मेरे पास बहुत ज़्यादा गोटा पट्टी भी ऑर्डर में आती रहती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे अपना गोटा पट्टी ज्वेलरी शेयर करूँगी, उसके लिए आपको देखने के लिए मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं एक संस्था के साथ भी जुड़ी हूँ और ये मुझे दिल्ली हाट वगैरह में लगाने के लिए स्टॉल का ऑफ़र आता रहता है। ये मैंने अपना स्टॉल लगाया था दिसंबर में, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। कई बार मैंने अपना स्टॉल लगाया है, ये भी आप देख सकते हो कि मैंने एक स्टॉल लगाया है मार्केट में। तो मुझे इस तरीके से मैं बिज़नेस करती हूँ और जो मेरे हैंडमेड कुछ पोचू वगैरह वो भी मैं घर पे ही डिज़ाइन करके इसे मतलब मार्केट में स्टॉल वगैरह के थ्रू बेच देती हूँ। और बहुत लोगों के साथ मेरा कॉन्टेक्ट है, तो इसलिए मेरा रिस्पॉन्स जो कि अच्छा है। आप भी अगर चाहो तो आप घर से ये सब बिज़नेस कर सकते हो। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो अगर खुद के लिए यूज़ करना चाहते हो तो भी आप घर पे बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है।